टाइम 24 न्यूज जज्बा सच दिखाने का। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन को 3 मई तक आगे बढ़ाया क्योंकि देश में अभी भी कोरोना वायरस से राहत की खबर नहीं आ रही है। शासन प्रशासन के आदेश के बाद पुलिस हर तरह से मुस्तैद नजर आ रही है, तो वहीं बुलंदशहर पुलिस के 2 जवानों ने भी कोरोना से लड़ाई जारी रखते हुए अपनी शादी को कैंसिल कर दिया है। क्या है पूरा मामला इस रिपोर्ट में देखिए। ड्यूटी पर मुस्तैद दिखाई दे रहे ये 2 कोरोना योद्धा बुलंदशहर के खुर्जा में तैनात हैं। जिन्होंने अपनी शादी सिर्फ इसलिए कैंसिल कर दी ताकि इस महामारी के संकट में वे अपनी ड्यूटी बखूबी निभा सके। यूपी के मथुरा के रहने वाले विनय कुमार, जो वर्तमान में बुलंदशहर के खुर्जा डायल 112 पर तैनात हैं। विनय की शादी आगरा के राजपुर निवासी रक्षा के साथ 17 अप्रैल यानी कल होनी थी, जबकि खुर्जा क्षेत्र अधिकारी के गनर दुर्गेश उपाध्याय की शादी 26 अप्रैल को अलीगढ़ के सासनी के रहने वाली हिमानी के साथ होनी थी। दोनों जवानों ने समझदारी का परिचय देते हुए प्रधानमंत्री के लॉकडाउन 2 का समर्थन किया और हालात सामान्य होने तक शादी को कैंसिल कर दिया। मेरी शादी 17 अप्रैल की थी जो कल है, और मैंने कैंसिल कर दी लॉकडाउन के चलते हुए। अच्छा, ड्यूटी जरूरी है, शादी तो बाद में भी हो जाएगी। मेरी यूपी 112 पे, कहाँ पे? खुर्जा नगर में। अच्छा, मेरी तैनाती सीओ खुर्जा महोदय के साथ। मेरी शादी 26 अप्रैल 2020 की थी लॉकडाउन के चलते हुए। ड्यूटी के लिए मुझे अपनी शादी आगे बढ़ानी पड़ी है, अभी कैंसिल करनी पड़ी है। वहीं दूसरी तरफ खुर्जा पहुंचे बुलंदशहर एसएसपी संतोष कुमार सिंह भी दोनों जवानों के इस त्याग और समर्पण से गौरवान्वित हुए। एसएसपी ने बताया कि देश की परिस्थितियों को समझते हुए दोनों सिपाही, जो अपने नए जीवन की शुरुआत करने वाले थे, उन्होंने देश के हालातों को समझते हुए अपनी अपनी शादी कैंसिल कर दी। एसएसपी ने कहा कि पब्लिक के लिए ये प्रेरणास्पद है, जो लोग लॉकडाउन का उल्लंघन करते हैं उन्हें देखना चाहिए कि कुछ लोग हैं जो अपनी निजी सुखों का बलिदान कर रहे हैं। एसएसपी ने लोगों से कहा कि अपने अपने घरों में रहकर ही लॉकडाउन का पालन करना चाहिए ताकि कोरोना की इस महामारी से जंग जीती जा सके। देखिए, इस समय पूरे देश में आप देख रहे होंगे कि पुलिस बल का त्याग और समर्पण ये बड़े पैमाने पे है, और हम लोग इस बात से गौरवान्वित हैं कि हमारी बुलंदशहर पुलिस टीम के 2 नौजवान कांस्टेबल, जो एक नए जीवन का प्रारंभ करने वाले थे इसी माह, एक की शादी 16 को और दूसरे की शादी 26 अप्रैल को थी, लेकिन दोनों ने देशकाल परिस्थितियों को देखते हुए और अपने दायित्व को समझते हुए अपनी अपनी शादियाँ कैंसिल कर दी हैं। ये निश्चित तौर पर हम सभी के लिए प्रेरणास्पद है, और पब्लिक को भी इस बात को महसूस करना चाहिए कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने निजी सुखों का बलिदान उनके लिए कर रहे हैं। तो लोग इस अवसर पर इस समझ के साथ लॉकडाउन का पूरा अनुपालन करें ताकि हम इस महामारी से जीत सकें। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ शमसुद्दीन सैफी, टाइम 24 न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।